हे गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं सिविल इंजीनियरिंग के स्किल्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो कोई और अनदर वीडियो नहीं है, इसमें प्योर इन्फॉर्मेशन है, आपको मज़ा आएगा। और इस वीडियो, इस तरह का वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, सीरीज़ वाइज बना रहा हूँ। पहला मैंने सीरीज़ बनाया था क्या क्या बेस्ट फील्ड है ब्रांच वाइज, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ITC, ऐसा सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब एक सीरीज़ बना रहा हूँ स्किल्स के वाइज। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बना चुका हूँ, ये सिविल का है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिविल का आगे वाला जो वीडियो आएगा। कौन से चाहते हो ब्रांच में वीडियो बनाऊँ स्किल के लिए, नीचे कमेंट करिए, मैं बना दूंगा। हालांकि हर ब्रांच को कवर करने वाला हूँ स्किल के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सिविल के स्किल्स के बारे में। तो जो स्किल्स होता है, दो तरह के स्किल्स बेसिकली हम बात करते हैं। एक होता है आपका स्टडी वाला स्किल, जो किताबों में पढ़ते हो, और एक होता है नॉन स्टडी, काइंड ऑफ नॉन स्टडी, बट ये भी आपके सिविल के किताब में होता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ MGT। MGT किसका शॉर्ट है भाई? मैनेजमेंट का शॉर्ट है। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बंदे को अच्छे पोस्ट मिलने के लिए। कोई बंदे को बहुत अच्छा सैलरी, बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा जिंदगी जीने के लिए, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप कम्युनिकेशन अच्छा है तो काम बनेगा। यहाँ कम्युनिकेशन में बात कर रहा हूँ जनरल, जैसे हम बात करते हैं, बट अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम, मतलब इसको कैसे डेवलप करोगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी वाला। स्टडी के साथ साथ क्या आप लोग स्किल्स गेन कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करूंगा बीच में, लेकिन पहले इसकी बात करते हैं जो आपको पता नहीं होगा मे बी। तो अगर सर्टिफिकेशन सीखना है तो आप क्या कर लो, पावर BI कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे जाके जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका नीड बहुत ज़्यादा है, एक्सेल को अच्छे से सीखिए। एक्सेल खुलना आ गया मतलब एक्सेल नहीं आता है, एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। सिविल में उन फंक्शंस का यूज़ होता है, जो भी आप काम करेंगे वो सारा का सारा डेटा एक्सेल सीट में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, जो भी आप काम करेंगे उसको अगर आपको मैनेजर को, अपने प्रोमोटर को, आपके CEO को शो करना है तो डेटा विजुलाइजेशन टूल का नीड बनेगा। सारे कंपनीज यूज़ तो नहीं करते हैं, बट आपके रिज्यूम में लिखा रहेगा कि I am Power BI सर्टिफाइड, तो आपका जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा। इवन यू आर ए फ्रेशर, फ्रेशर को जॉब क्यों नहीं मिलता, बिकॉज का कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है सिवाय वो डिग्री के। डिग्री गेटो है एलिजिबिलिटी का, और एक्स्ट्रा चीज़ जो आपके रिज्यूम में होगा वो गेटवे है आपको जॉब मिलने का। जो आपका स्किल है वो गेटवे है जॉब में काम में लाने का, और उसको बेहतर करके पैसे कमाने का, और आपको प्रमोशन मिलने का। फिर नया स्किल सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, सिंपल सी बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज़ सो सिंपल, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, दैट्स इट। तो आपके पास क्या आ गया, Power BI। Power BI क्या होता है? एक डेटा विजुलाइजेशन टूल होता है। खाली Power BI नहीं होता है, Tableau भी होता है, बट Power BI एक क्या है, एक बोल सकते हो एक अच्छा टूल है Power BI, which I recommend to all the people जो अभी BTech सिविल कर रहे हैं। आप लोग को ये टूल सीख लेना चाहिए, Tableau या Power BI, बट Power BI ज़्यादा पॉपुलर है तो इसको सीख सकते हो। Tableau भी ठीक है, Excel, Power BI आपने सीख लिया। नेक्स्ट आपको क्या सीखना है आपको बता देता हूँ। आपको जाना है नेक्स्ट क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, इसके बारे में जानना है। ये अलग से एक प्रोफाइल भी होता है बहुत सारे कंपनीज में। क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑफिसर होता है, तो जो भी इंडस्ट्री होता है, जो भी वर्किंग प्लेस होता है उसमें बंदा रहता है। तो ये अगर आपके रिज्यूम में दिखेगा, इसमें सर्टिफिकेशन भी होते हैं, बाकी चीज़ें होते रहते हैं, तो आपका एक वेटेज बढ़ता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जितने भी सिविल इंजीनियर हैं उनको डेफिनेटली कुछ डिज़ाइन वर्क आता चाहिए। तो बेसिक फंडामेंटल क्या है, AutoCAD, ये आपको ज़रूर आना चाहिए, चाहे कैसे भी ईयर में हो आपको। हालांकि इससे आगे और भी है, बट स्टार्ट कर रहा हूँ।
ऑटोकैड आपको जरूर आना चाहिए। तो ऑटोकैड कहाँ सीखें भाई, ऐसे सीखोगे 10 से 5 से 20 15 हज़ार 12 हज़ार तक का पड़ेगा। और इसका कोई खास जरूरत नहीं है किसी गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन का, नहीं, आपको नॉलेज स्किल चाहिए बिकॉज आपके सिलेबस में ऑलरेडी ये इन्वॉल्व है। आपके पास स्किल होना चाहिए कि मेरे को ऑटोकैड आता है। आपका जो डिग्री है बीटेक का वो काफ़ी है, ये सर्टिफाइड है, दैट इज़ गुड। बट इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए ऑटोकैड में। तो आपको आपको सर्टिफाइड नहीं है, अगर आता है तब भी चलेगा, इफ़ यू नो दैट इज़ ओके। सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड हो मतलब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर वो होता है, समझ रहे हो। इसमें हम प्रोवाइड करते हैं आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ऑनलाइन, 399 रुपीज़ ओनली। इसका लिंक डाल दूंगा, ये एक एप्लीकेशन है कैड अकेडमी करके, उसमें हम इसको देते हैं। ख़ास बात क्या है, हमारे जो टीचर है वो NIT से हैं, NIT से पढ़े हुए हैं, MTech वहीं से करें, डिज़ाइन इंजीनियर हैं, ठीक है। तो और ख़ास बात और एक क्या है, ऑटोकैड का हमने तीन चीज़ें बता रखा है, मैकेनिकल का अलग है, इलेक्ट्रिकल का अलग है, सिविल का अलग है, तीनों हिंदी में बता रखा है। आपको एक सर्टिफिकेट ही मिलता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो ये एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए और आप उधर जाके इंस्टॉल कर सकते हो और उसको ले सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। इसमें प्रोजेक्ट्स ही मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगा, वीडियो के फॉर्म में मिलेगा, रिकॉर्डेड कोर्स है कंप्लीट, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सको। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, ये तो हो गया ऑटोकैड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में। इसमें बेसिकली सॉफ्टवेयर सीखना होता है। इन तीन सॉफ्टवेयर में से कोई से एक सीख लो। कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, स्टैड प्रो आपने सुना भी होगा शायद, एक ये है, दूसरा SAP 2000, तीसरा ETABS, ये तीन में से कोई एक सीख लो। अभी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तीन में से कोई एक सीख लो, काम बन गया, समझ रहे हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, अगर आपको परचेज डिपार्टमेंट में काम करना है, हालांकि मैं डिपार्टमेंट वाइज वीडियो बनाऊंगा, वो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, बिल ऑफ मटेरियल्स आपको आना चाहिए, BOM, MRP आपको आना चाहिए, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और इसी के लिए एक सॉफ्टवेयर जो अगेन सर्टिफिकेशन है, SAP MM मॉड्यूल आपको आना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, इसके जरिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। और ये अगर कोई कर लेता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल का बंदा, तो उसको एक एज मिलता है अच्छे जॉब लेने के लिए, अच्छे पैकेज लेने के लिए, सर्टिफाइड और अच्छी बात है। सर्टिफिकेशन के लिए इसमें थोड़ा महंगा पड़ता है, SAP MM का, एक बार पेपर देने का, एग्ज़ाम देना पड़ता है, वही पास करना पड़ता है, फिर एक बार पेपर देने का, इस सिंगल अटैम्प्ट का आई थिंक 18,000 लेते हैं, 6 अटैम्प्ट तक दे सकते हो, उसमें आपका 45,000 लेते हैं वो। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास, यहाँ पर देख लो क्या क्या स्किल लिख रहा हूँ मैं, जस्ट सी योरसेल्फ क्या आपको आता है और क्या स्किल आपको आना चाहिए एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने के लिए। ये अगर सारा कोई सीख लेता है, नोबडी कैन स्टॉप हिम टू गेट वेरी गुड जॉब इन वेरी गुड कंपनी। मे बी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए बिकॉज ऑफ 3rd ईयर कॉलेज, बिकॉज कॉलेज एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म खराब हो तो कितना स्किल है, कितने मार्क्स है, इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर सुन लीजिए, प्लेटफॉर्म खराब है तो कितना स्किल भी है, कितना भी आपके पास मार्क्स है, अपॉर्चुनिटी में नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट वंस दैट गाय विल स्टार्ट, मज़ा आ जाएगा उसको, वो टॉप पे पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, नहीं टाइम लगता है, जल्दी पहुंचना मुश्किल होता है, ठीक है जी। यहाँ बिकॉज प्लेटफॉर्म ख़राब था, प्लेटफॉर्म मतलब इसे मान लो कोई गाँव से है, उसके बाद इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसे कमाने, वो शहर जाता है पैसे कमाने के लिए, प्लेटफॉर्म इज़ लाइक दैट। कॉलेज अच्छा नहीं है तो भाई प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, प्लेसमेंट नहीं मिलता, फिर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट आफ्टर 5 to 10 ईयर्स देखोगे तो बराबर हो जाता है, इतना बराबर तो कुछ केसेस में होते हैं, कुछ केसेस में नहीं हो पाते हैं, बिकॉज कोई 20 लाख से स्टार्ट कर रहा है, कोई 2 लाख से स्टार्ट कर रहा है, बराबर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज लेवल ऑफ थिंकिंग चेंज होता है उससे। नेक्स्ट हम क्या किसकी बात करेंगे, ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ETABS हो गया, FEM फाइनाइट एलिमेंट मेथड, इसी में आता है FEA फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। कोई भी प्रोडक्ट है उसको, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, वो प्रोडक्ट सही है
सही होगा, बेकार होगा, भला होगा, कैसा होगा, उसके लिए ये आपको जरूर आना चाहिए। ये बेसिक स्किल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है जी। तो ये FEM और ये FEA आपको आना चाहिए, ये बेसिकली एक स्किल है, काफ़ी अच्छा स्किल है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। उसमें एक बोल सकते हो, अगर मान लो किसी को इंटरेस्ट है बहुत अच्छा रिसर्च में, एनालिसिस में, तो MATLAB आना चाहिए। MATLAB भाई पायनर है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर हैं IITs में, NITs में, वो सारे के सारे MATLAB यूज़ करते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अभी एक मेरा फ्रेंड IIT से पास आउट होने वाला है PhD करके, कौन सा कॉलेज नहीं बताऊंगा आपको, तो अगर कोई मेरे को फॉलो करता है उसको पता है, बिकॉज उसका एक पॉडकास्ट में डाला हुआ है कैसे IIT में PhD में एडमिशन मिलता है, क्या प्रोसेस होता है। तो MATLAB वो बोलता है, MATLAB काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कुछ भी हो, वो को ये उसको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में एक्सेल करने के लिए, जो इम्पॉर्टेंट है। सिविल में दो और चीज़ें चल रहा है, ये होगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसका, या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसके सॉफ्टवेयर आते हैं, वे कोई सॉफ्टवेयर सीख लो, प्रीमियरा आता है प्री, उसके बाद ये हो गया सॉफ्टवेयर, इसके सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, कोई सा भी एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर सीख लो। और एक सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फिलहाल चल रहा है, मोस्ट पॉपुलर और एक चल रहा है, वो क्या है, दैट इज़ BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ये BIM प्रोसेस है, ये बेसिकली स्टार्टिंग में BIM मैनेजर बनना मुश्किल है, बट BIM के अंडर सब कुछ आ गया, एवरीथिंग आ गया, कोई बिल्डिंग बनाना है BIM के अंडर सब कुछ मिलेगा, A to Z, डिज़ाइन से लेके, प्लानिंग से लेके, उसका सिमुलेशन से लेके, मैनेजमेंट से लेके, सब उसके अंडर मिलेगा, BIM के अंडर मिलेगा। तो BIM में सॉफ्टवेयर, BIM सॉफ्टवेयर भी है, तो वो भी सीख सकते हैं, BIM का सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे स्किल है, ये सारे स्किल कोई एक दिन में दो दिन में नहीं होगा, पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा सारे स्किल को लेने के लिए, ठीक है। तो ये स्किल सीख सकते हैं, बट इससे भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, वो क्या है, बात करने का स्किल, किस में, इंग्लिश में। अगर वो नहीं आया, कितने भी स्किल हो, जॉब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो कैसे होगा। अच्छा, और एक बात, आप पढ़ाई करे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो भाई यहाँ पर फोकस करना, परसेंटेज पर फोकस करना, ये कम है तो एज ए फ्रेशर जॉब लेना और डिफिकल्ट हो जाता है, इफ़ यू आर फ्रॉम थर्ड ईयर कॉलेज, थर्ड ईयर कॉलेज के बच्चे हैं, प्लेटफॉर्म तो आपका अच्छा नहीं है। आप दो चीज़ पर फोकस करिए, परसेंटेज हाई रखें जितना हो सकता है, स्किल जितना हो सकता है उतना गेन करिए जिस फील्ड में आपको जाना है। और अगर आप कोई ब्रांच से हैं, तो एक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के रखिए, वो क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे परसेंटेज अपना रखने के लिए हमारे पास एक कोर्स है, उसमें मैं तीन चीज़ सिखाता हूँ, और वो कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको बाय करना चाहिए, जिसको भी ये प्रॉब्लम है इंग्लिश का, हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन, सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे एग्जाम में लिखना नहीं आ रहा है, खुद से आता तो है लिख नहीं पा रहा हूँ, आता तो है लिख नहीं पा रहा हूँ, क्यों, बिकॉज अंग्रेजी है। द सेम प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड, उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया, सो उस प्रॉब्लम को मैंने बहुत सारे बच्चे का जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाया, नाउ आई गॉट द सोल्यूशन फॉर दिस फॉर यू, दैट इज़ हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, और बहुत ही अफोर्डेबल सोल्यूशन है। पहले सोचा था 1000 rupees का प्राइस रखूँगा, बट 50% ऑफ है, 499 rupees, बिकॉज आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए आपको 100 rupees और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, बाय करिए, प्रोमो कोड भी डिस्क्रिप्शन डाला है 100 rupees डिस्काउंट के लिए, प्रोमो कोड और डिस्काउंट को जो भी लो डालोगे तो क्या होगा आपका 100 rupees डिस्काउंट हो जाएगा, प्राइस कितना हो जाएगा 399 rupees। तीन चीज़ सीखने को मिलेगा आपको, क्या मिलेगा देख लीजिए, स्पीक राइट एंड रीड, बात करने का, हैज़ बीन हैड बीन समझ में आ रहा है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, राइटिंग एग्जाम में कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, अंग्रेजी है कैसे पढ़ोगे अच्छे से, इफेक्टिव स्टडी, बिकॉज ऑफ इंग्लिश लोग पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से, समझ में नहीं आता है, दिमाग बंद सा होता है किताब खोलते ही, सो उस तरह का प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसमें है, बट मेरे दोस्त टाइम लगता है, कोई एक दिन में इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इट टेक्स टाइम, इट्स ए प्रोसेस।
प्रोसेस है। नेक्स्ट बताया था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर सीखिए, सी प्लस प्लस या सी, जो भी सीखना है। सी में सी का ज़्यादा ईजी है थोड़ा सा, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सी प्लस प्लस लो या सी लो, 249 रुपीज़ का है। डिस्क्रिप्शन लिंक है सारे का, आप बाय करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ फैलाओ जो सिविल्स हैं। थैंक यू।